मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैं एक कॉमन क्वेश्चन का बड़ा आंसर करती हूँ, क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना। कोई ऐसी ड्रिंक है, कोई भी ऐसी मैजिकल ड्रिंक है जो हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर दे, हमारी भूख को सप्रेस कर दे और हमारा डाइट कंटिन्यू करने के लिए हमें फोकस दे दे? क्या कोई ऐसी मैजिकल ड्रिंक होती है? यस, ऐसी मैजिकल ड्रिंक्स बहुत सारी होती हैं जो आपकी भूख को, मूड को, आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू फैक्ट टू फैब। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक चीज़। मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे आयुर्वेदक के ऊपर स्टडी करा है एंड वहाँ पर मैंने जीरा, अजवाइन, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, इन सबको रिप्लेस करा है पनीर डूबा, घुघरू, हमारा शतावरी एंड हमारे अर्जुन की छाल से। आज मैं एक और आयुर्वेदिक चीज़ को इंट्रोड्यूस करने आई हूँ आपके पास, वो है पीपली। नाउ पीपली क्या है? पीपली बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। ये मसालों के फॉर्म में हम घर में यूज़ करते हैं। इसके अंदर एन नंबर ऑफ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको एक नई जान, एक बूस्टअप कर देता है एंड उसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिक रेट पर इस तरीके से वर्क करता है कि आपका वेट लॉस जो है वो फास्ट होता है। नाउ मेटाबॉलिक रेट और वेट लॉस फास्ट हाउ? आपके डाइजेस्टिव इशू पे ये काम करता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से वर्क करता है, इम्प्रूव करता है इसका चूर्ण, जिसकी हेल्प से अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है, नेचुरल सी बात है आपका वेट लॉस जो है वो फास्ट होगा ही होगा। वेट लॉस की जर्नी कहाँ स्टॉप होती है और कहाँ अटकती है? कॉन्स्टिपेशन से, वाटर रिटेंशन से, लो कार्ब डाइट से, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं एंड फाइबर और अपनी बॉडी में कार्ब्स अच्छे से नहीं डाल रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं स्टिल यू आर नॉट एबल टू लूज वेट, ट्राई दिस पीपली पाउडर। पीपली का पाउडर जो होता है वो आपके ऑर्गन्स को इस तरीके से पॉलिश करता है कि आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। नाउ पीपली का पाउडर आपके वेट लॉस में तो हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये आपके अस्थमा के इशू पे भी वर्क करता है, आपके लंग्स के इन्फेक्शन में भी वर्क करता है। जिन जिन लोगों का पंप चल रहा है, जिन जिन लोगों का ऑट्रेवेन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चलता है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ एंड कंजेशन का इशू रहता है इस सीज़न में, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए दिस पीपली का चूर्ण वर्क्स अमेजिंग। नेक्स्ट, जिन लोगों को माइग्रेन का बहुत ज्यादा इशू रहता है, हेडेक्स की बहुत ज्यादा, वो पेन किलर्स पे जी रहे हैं, जो वेट लॉस का जर्नी चलता है पेन किलर लेते हैं फिर उनका वापस वहीं पे आ जाता है, जो जो लोग इस तरीके की दिक्कतों से परेशान हैं उनके लिए पीपली का चूर्ण बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, आप बिल्कुल कट 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 की आवाज़ें निकालते हो, आपको अर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा है, दिस चूर्ण वर्क अमेजिंग। बट ये चूर्ण को बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हम ले सकते हैं एंड सिर्फ विंटर्स में ही हम इसे ले सकते हैं। अब जब विंटर्स आ ही गई हैं तो हम इसको लेना क्यों नहीं चालू करते? अनदर पार्ट, अगर ये चूर्ण आप अपनी डाइट में ले रहे हो, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो इस तरीके से ठीक होंगे, यू कैन ईजिली लूज 5 kgs विदाउट एनी डाइट एंड वर्कआउट। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप सुबह, दोपहर, शाम, रात पाव भाजी, छोला भटूरा पे जी रहे हो और ये वाला चूर्ण खा रहे हो और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ना जी ना। आपको प्रॉपर एक स्पेसिफिक डाइट पिक करना पड़ेगा जिसके अंदर प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर हो, कार्ब्स का इंटेक प्रॉपर हो, फाइबर प्रॉपर हो, आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हो, तब जाके आपका जो वेट लॉस होगा होगा ही होगा, बट उसके साथ आप ये चूर्ण ऐड करेंगे। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जब भी आप किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ों में उतरते हो ना, तब आप दवाइयों को काटा मार देते हो। हमारी आयुर्वेदा में इतनी सारी औषधियाँ, इतनी सारे हर्ब्स हैं, इतनी सारे मसाले हैं, अगर वो डेली बेसिस पे भी आप अपनी डाइट में ऐड करने लग जाओगे ना, आपके घर से आपका जो बॉक्स है ना दवाइयों का, वो बिल्कुल टाटा बाय बाय हो जाएगा। मेरे घर में कोई दवाइयों का बॉक्स नहीं रहता। खांसी, जुकाम, बुखार भी आप इस चूर्ण से अपना ठीक कर सकते हो। नाउ ये चूर्ण बनाना कैसे और पीपली दिखती कैसी है? आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, चलते किचन में और बनाते हैं इसका चूर्ण। ओके जी, सो ये रही हमारी पीपली, ये इस तरीके से दिखती है और ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए ब्रांड यूज़ करती हूँ, बस ये अमेज़ोन से मिलता है एंड ये रही हमारी पीपली। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे ग्राइंड करेंगे, डाल दिया मैंने अपनी मिक्सी में और हम सबसे पहले इसको अब ग्राइंड करते हैं। एंड हियर वी गो, दिस चूर्ण इज रेडी। अच्छे से इसको सब्जियों में भी हम मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल पिंच। और अब इसको लेना कैसे है, यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी लेंगे जस्ट इतनी, दिस मच
बिल्कुल पिंच हम लेना है इसको, पिंच से ज़्यादा इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ये डाला मैंने इसमें आधा कप पानी एंड इट्स रेडी। इतना ही पानी लेना है और इतना ही हमने चूरन ये वाला ऐड करना है, बस इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। ना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ एंड कंजेशन चल रहा है, जो बिल्कुल कहते हैं ना बलगम ख़त्म ही नहीं हो रहा उनका, सो उसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच हनी इसी के अंदर। इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से एंड ये हम लेंगे जब हमको बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ एंड कंजेशन है। एंड यस, ये वाली जो ड्रिंक है इसको लेना कब है, ये आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक नहीं लेंगे, हम इसको एज अ इवनिंग टी लेंगे या रात को सोने से पहले लेंगे। हमने लेना एक कांच का कंटेनर, उसको हम स्टोर करेंगे कांच के कंटेनर में। ये हमने डाला यहाँ पे ये सारा पाउडर, ये रहा हमारा चूरन एंड इट्स रेडी। वेलकम बैक, सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। ये वीडियो हम शेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ जिनको अस्थमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो वेट लॉस के जर्नी में बिल्कुल थक चुके हैं, हार चुके हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट हैं, बिल्कुल उनको कुछ करने का मन नहीं है। नंबर 3, जिनको अथराइटिस का बहुत ज़्यादा पेन है और जो माइग्रेन की पेन किलर्स पे जी रहे हैं, है ना, जिनका हेडेक्स नहीं उतरता। एंड नंबर 4, जिन लोगों की ऑटरविन बहुत ज़्यादा चल रही है, मैंने बहुत देखा ऑटरविन की बड़ी सेल है यार, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों का नोज जो है वो ब्लॉकेज रहता है, इतने ज़्यादा ब्लॉकेज रहता है। सो जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स, आप उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। सो या दैट्स इट एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।